खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशबरी मुकदस लूका के मुताबिक। उसके 18वें बाब में से एक दिन यीशु ने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लटेरे जालम जनाकार या इस महसल की मानंद नहीं हूं। मैं हफ्ता में दो बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूं। मगर उस महसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था, क्या खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजीले पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। फरोतन की दुआ बादलों को चीर कर गुजर जाती है। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज 30वां इतवार है। आज 23 अक्टूबर है और आज आलमगीर सतह पर पूरी दुनिया में बिशारती इतवार मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों में आपको योमे बिशारत बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज मोमिनीन, इस साल योम बिशारत का अनवान और मरकजी आयत यह है कि तुम मेरे गवाह हो गए। यकीनी तौर पर यह आयत ना सिर्फ रिमाइंडर है व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर, बल्कि यह दावत भी है। और दावत क्या है कि हम मिशनरी और रसालती सरगर्मियों में गर्मजोशी के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज जब पूरी दुनिया में योम बिशारत मनाया जाता है तो दरहकीकत दो बुनियादी बातें हैं या पहलू हैं जिस पर कलीसिया चाहती है कि हम गौर करें। दो बातें। पहली बात यह है कि हमारी मुश्तरका बलाहट क्या है, यानी कि हर एक बपतिस्मा याफ्ता की बलाहट क्या है और हमारी मुश्तरका बलाहट यह है कि हम खुदा के कलाम और अंजील के गवाह बने। We are called to witness Christ. We are called to witness risen Lord, the risen Lord. That is our call. That is our vocation. That is the purpose of our life.
हम में से हर एक शख्स, हर एक बपतिस्मा याफ्ता, उसकी बुनियादी और पहली बलाहट जिंदगी का मकसद यह है कि वह अपने अमालो करदार से खुदा के कलाम का प्रचार करे। थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू डीड्स, अमालो करदार के जरिए से। तो यह पहला मकसद है, मुश्तरका बलाहट यानी मिशनरी होने की बलाहट को दोहराना, उसकी तजदीद करना, तजदीद वफा करना। और दूसरा यह है कि हम ईमानी अशायत में, रसालती कामों में, मिशनरी कामों में फराह दिली के साथ माली तावन या हिस्सा डालें। तो दो बातें, टू विटनेस द रिजन लॉर्ड, टू बी अ मिशनरी, एंड सेकेंडली टू हेल्प द मिशनरीज। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए कि जब भी मिशन संडे होता है, और ना सिर्फ जब मिशन संडे होता है बल्कि आम हालात में भी, आप गाहे बगाहे हम सब मिशन के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, अपने माली तावन से उनकी सरगर्मियों में हिस्सा डालते हैं। फॉर दैट आई थैंक द लॉर्ड। आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। और आज जब आलमी योम बशारत मनाया जाता है तो हम शुक्रगुजार हैं दुनिया के तमाम मिशनरीज लोगों के लिए जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से खुदा के कलाम का मुश्किल और कठिन हालात में और इलाकों में खुदा के कलाम का प्रचार किया। आए हम उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं और दुनिया के तमाम मिशनरियों के लिए जोरदार ताली दें जी। आज हम शुक्रगुजार भी हैं कि दुनिया भर में से जितने भी मिशनरी पाकिस्तान में आए, और सच में आज उनको याद करने का वक्त है, उनकी खिदमात को हैराजे तहसीन पेश करने का वक्त है। उन्होंने हमारी धरती पर आकर अंजील की बशारत दी, उन्होंने हमारी इस धरती में आकर ईमान का बीज बोया, और खुदा का शुक्र है कि वो बीज आज तनावर दरख्त बन चुका है और फल दे रहा है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। Why I say that? क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि आजकल में या इस दौर में बाहर से शायद मिशनरी बहुत कम आते हैं या आ रहे हैं या उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात हौसला अफजा है और यह हमारे लिए खुशी और शादमानी का सबब है कि अब पाकिस्तान से काहिन, फादर्स और सिस्टर्स और ब्रदर्स मिशनरी बनकर दूसरे ममालिक में जाकर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बिलखसूस आज के दिन मैं शुक्रगुजार हूं अपनी कैप्टन बरादरी का, उनके इस विजन का, इस मिशनरी सरगर्मी के लिए उनके लिए आज मैं शुक्रगुजार हूं और उनके लिए दुआ करता हूं। और आज आए हम दुआ करते हैं और याद करते हैं अपने पाकिस्तानी कैप्टन मिशनरीज को और दूसरे मिशनरीज को भी। मैं सिर्फ नाम लूंगा जो कैप्टन मिशनरी बरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क जो है मिशन पर गए हों, बाकी जमायतों के भी हैं, लेकिन कैप्टन जमायत के जो हमारे मिशनरी फादर्स हैं उनके बारे में आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं रेवन फादर अदील मजर के लिए जो बेल्जियम में है, रेवन फादर आबद हबीब के लिए जो यूए में है, रेवन फादर फैसल फ्रांसिस और रेवन फादर पीओ पारस के लिए जो आज या कल बेल्जियम मिशन के लिए जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं रेवन फादर दाऊद मोरिस के लिए और फादर जुवेद जॉन के लिए जो इटली में है और बादजा वो तुर्की मिशन के लिए जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं रेवन फादर शहजाद खोखर और रेवन फादर लाजर असलम का जो अंदरूने सिंध मिशन पर है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बलाहट है, ये बड़े हौसले की बात है। और मैं फादर फैसल से, फादर पीओ से बात कर रहा था
वो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है फादर जी, वतन को छोड़ना, अपनों को छोड़ना, अपने घर वालों को छोड़ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दे आर क्रेजियस एंड दे आर होपफुल. वाई? बिकॉज दे नो दैट द लॉर्ड इज विद देम. आए इन सब के लिए, और जो बाद में मिशन के लिए जाएंगे उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और उनके लिए जोरदार ताली जाए, जोरदार ताली जाए. मेरी आज ये भी दुआ है कि खुदा करे कि आइंदा आने वाले सालों में जब इधर मैं या कोई और फादर कलाम कर रहा हो तो वो फख्र के साथ ये कह सके कि हाँ, सेंट फ्रांसिस पैरिश कोटलाकपत लाहौर के मोमिनीन से या इस इन घरों या खानदानों से भी मिशन के लिए लोग गए हैं. आए उस बड़े दिन के लिए खुदा से दुआ करें, मिशन के लिए दुआ करें और मिशनरी बनने के लिए खुदा का खास फजल और बरकत मांगे. अजीज मोमिनीन, आज जब हम खुदा के पाकलाम पर ध्यानोज्ञान करते हैं तो आज की तलावतों का जो मरकजी अनुमान है या थीम है वो दुआ है. और ये आज ही नहीं, ये मुसलसल तीन अतवार से एक ही थीम चल रहा है. मुसलसल तीन अतवार से हम दुआ के मौजू पर ही बात कर रहे हैं. और आपको याद होगा कि जब 10 कोढ़ियों ने शिफा पाई तो उनमें से एक लौटकर खुदा का क्या करता है? शुक्र अदा करता है. तो वो भी शुक्रगुजारी की दुआ है. इसी तरह पिछले इतवार हमने सुना कि बेइंसाफ काजी और बेवा की तमसील बयान की गई है जिसमें मसलसल हिम्मत ना हारते हुए दुआ करने की तलकीन और ताकीद की गई है. और आज की पाक झील में हमने फरीसी और मसल की तमसील सुनी है जो दुआ के मुतल्लक है. आए आज की इस तमसील पर मुख्तसर तौर पर ध्यानोज्ञान करते हैं. पहला सवाल, आज की तमसील किन लोगों के बारे में है, किन को एड्रेस की गई है? क्यों कर यीशु ने यह तमसील कही? व्हाट इज द रीजन? पस मंजर क्या है? और इसका जवाब आज की पाक झील में ही हमें मिलता है. और लिखा है, एक दिन यीशु ने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही के दो शख्स सैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसल. तो ये किन के बारे में है जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी जात पर? वन. सेकंड, जो अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं वो शायद है नहीं. और तीसरा, कि जो दूसरों को यानी अपने हमसाए को नाचीज या हकीर जानते हैं, तो ये तमसील उनके मुतल्लक है या उनको एड्रेस की गई है. आए आज की तमसील जो फरीसी और मसल की तमसील है इस पर मजीद ध्यानोज्ञान करें. हमने आज की पाक झील में सुना कि दो शख्स हैकल में जाते हैं. कुछ कॉमन चीजें हैं इन दोनों अशास में. दोनों शख्स कहां जाते हैं जी? हैकल में जाते हैं. क्या करने जाते हैं? दुआ करने जाते हैं. यानी एक ही जगह पर और एक ही मकसद के लिए वो दोनों शख्स गए, यानी हैकल में गए और दुआ करने के लिए गए. एक ही वक्त में जाते हैं, ये भी उनमें कॉमन चीज है. और यही नहीं बल्कि दोनों एक ही खुदा से क्या करते हैं? दुआ करते हैं. अब दोनों दुआ करते हैं, दोनों ही हैकल में हैं, दोनों ही एक ही वक्त में जाते हैं, लेकिन दोनों की दुआओं का असर और फल जो है वो फर्क फर्क है. और उसकी वजह क्या है हम बाद में देखेंगे. दोनों ने दुआ की, दोनों हैकल में गए, दोनों ने खुदा को पुकारा, लेकिन दोनों की दुआ का असर और फल फर्क था. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आए
दोनों अशहास के रवैये और तर्ज दुआ पर गौर खोज करते हैं और शायद हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। जब हम फ्रीसी के करदार और अंदाजे दुआ और रवैये पर गौर खोज करते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि वो शख्स फ्रीसी जो है खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। पहले नंबर पर वो करीब जाता है, दूसरे नंबर पर वो खड़ा हो जाता है और दुआ करता है। What does it mean? उसका करीब जाना और उसका खड़े होकर दुआ करना, What does it indicates? इंडिकेट क्या करता है? बुनियादी तौर पर दो चीजें। जब कोई इंसान खड़ा होता है तो उसके लिए मुमकिन क्या होता है कि वो दूसरों को देख सकता है और ये भी कि दूसरे उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रीसी खड़ा होता है विद द पर्पस ऑफ सो दैट पीपल कैन सी हिम और वो भी लोगों को देख सके। तो उसके खड़े होने का मकसद बुनियादी तौर पर दिखावा है, जिसके बारे में मुकद्दस मत्ती इंजील में छठे बाब में बार बार तंबीह करता है कि तुम्हारी खरात, तुम्हारा रोजा और तुम्हारी दुआ दिखावे के लिए ना हो बल्कि पशीदगी में करो, ताकि तुम्हारा बाप जाने, आदमी नहीं। लेकिन यह शख्स दुआ खड़े होकर इसलिए करता है ताकि आदमी जाने कि यह शख्स कितना रास्तबाज है और कितना दुआगो है। जो वो दुआ करता है या जब वो दुआ करता है उस पर जब गौर करते हैं तो मालूम होता है कि उसकी दुआ का आगाज बहुत उम्दा है, बहुत आला है, अच्छी दुआ शुरू की। आगाज इब्तदा बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखा है वो यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। यह दुआ अच्छी है, उम्दा दुआ है, खुदा का शुक्र अदा करना। तो इससे ऐसे लगता है यह शख्स जो है यह नेक है, यह अच्छा है। यह शख्स फरीसी जो है अच्छा इंसान मालूम होता है, क्योंकि दुआ का आगाज अच्छा किया, कह खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। दुआ का आगाज अच्छा है, लेकिन ट्विस्ट क्या है? वो खुदा का शुक्र अदा इसलिए नहीं करता कि वो खालिक और मालिक है, वो खुदा का शुक्र अदा इसलिए नहीं करता कि वो बड़ा है या उस पर वो भरोसा रखता है। वो खुदा का शुक्र इसलिए करता है क्योंकि वो खुद ही कहता है कि मैं बाकी लोगों से क्या हूं, अच्छा हूं। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो क्योंकि मैं बाकी आदमियों की मानंद नहीं, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं है। सो मच सो वो उनके गुनाह गिनता है कि मैं बाकी आदमियों की तरह, इंसानों की तरह नहीं हूं, जो लटेरे हैं, जो जालिम हैं, जो जनाकार हैं या जो महसल हैं, मैं उनकी मानद नहीं हूं। दुआ का आगाज अच्छा है, लेकिन बाद में वो दरहकीकत दुआ नहीं करता बल्कि दूसरों को हकीर जानता है। मैंने कहा तमसील उन लोगों के बारे में कही गई है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं और दूसरों को नासीज समझते हैं, और इसने ऐसा ही किया, उसने ऐसा करके दरहकीकत अपनी रूहानी मगरूरी का सबूत दिया है। वो शख्स रूहानी तौर पर मगरूर है, कहता है कि मैं हफ्ते में दो बार रोजा रखता हूं, मैं अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूं, मैं जुल्म नहीं करता, मैं बाकी गुनाह नहीं करता, देफो आई एम राइचियस पर्सन। अपने आप को
मतलब यह हुआ कि उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया, मतलब यह कि वो तोबा की तरफ माइल नहीं है। ही डजंट नीड कन्वर्जन सिंस ही इज होली, ही इज गुड, देयरफॉर ही डजंट नीड कन्वर्जन। कौन है जो ये कह सके कि मैंने गुनाह नहीं किया? लेकिन यह शख्स यही कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं। उसमें मगरूरी है और यही वजह है कि दुआ में फोकस खुदा नहीं बल्कि दुआ में फोकस उसकी अपनी जात है, अपनी शख्सियत है, अपने काम है, अपने डूइंग है, व्हाट ही डिड और व्हाट ही डज। ऐसा लगता है कि यह शख्स दुआ करने कम और खुदा को इन्फॉर्म करने ज्यादा आया है। इन्फॉर्म क्या करता है कि मैं कैसा हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दैज की देता हूं, मैं गुनाहगार नहीं, मैं महसल नहीं। इन्फॉर्म करता है अपने बारे में, चलो ये कर लिया। लेकिन इसके बरक्स और भी वो कुछ काम करता है और वो इन्फॉर्म करता है दूसरों के बारे में, वो दूसरे कैसे हैं, मैं उनकी मानद नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन तो हो सकती है लेकिन दुआ हरगिज नहीं। और यही वजह है कि खुदा ने उसकी दुआ को ना पसंद किया। वो खुदा के करीब होकर भी, कवानीन और शरीयत का पाबंद होकर भी, करीब खड़े होकर भी खुदा से दूर रहा। एंड दिस कैन हैपन टू एनी बॉडी। शायद हम बहुत पाबंद हों अहकामात के, शायद हम बहुत रेगुलर हों दुआ और नमाज के, रोजे और खैरात के। दिस इज वंडरफुल, होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे दिल में, हमारी सोच में, हमारे इरादे में हकारत आ जाए, मगरूरी आ जाए और सबसे बढ़कर हम दूसरे को हकीर जानना शुरू करें या समझना शुरू कर दें, तो इट मीन्स व्हाट वी डू इट हैज नो वैल्यू, नो पर्पस, यूजलेस। हमारी दुआ, हमारा रोजा, हमारी खैरात, हमारे नेकी के काम, हमारी ताबेदारी, हमारे हुक्मों को पूरा करना शायद खुदा को पसंद ना आए, क्योंकि हमने खुदा के सामने खड़े होकर क्या किया, अपने पड़ोसी को हकीर जाना जिससे हम मोहब्बत करने के लिए बुलाए गए हैं। हुक्म क्या है, बड़ा हुक्म क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार कर और नीज अपने पड़ोसी को अपनी मानन प्यार कर। और फरीसी ने क्या किया है, या अपने पड़ोसी को अपनी मानन प्यार कर है? नो, हरगिज नहीं, बल्कि इसने अपने पड़ोसी को हकीर, गुनाहगार और कमतर जाना है। दैट इज वाई हिज प्रेयर वॉज नॉट हर्ड। वो रास्तबाज ना ठहर सका, वो खुदा की नजर में मकबूल ना हुआ, बिकॉज हिज फोकस वॉज हिमसेल्फ, अपनी जात, अपनी शख्सियत और अपने कारनामे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महसल का अंदाजे दुआ और रवैया क्या है। लिखा है, मगर उस महसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। दूर खड़ा है, आंखें बुलंद नहीं करता। एंड व्हेन ही डजंट लुक अप, कॉन्सिक्वेंटली ही लुक इनसाइड। वो अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर के इंसान को देखता है और जो सच्चाई उसके अंदर है उसको पहचानता है
और उसने अपने अंदर क्या देखा, क्या जाना कि वो गुनाहगार है, मुहस्सल है। देयरफॉर ही नीड्स गॉड्स कंपैशन, मर्सी, लव एंड फॉरगिवनेस। अगर जानता ही ना तो फॉरगिवनेस कैसे मिलती, खुदा का रहम और फजल कैसे पाता। बट ही रियलाइज्ड वो कौन है, क्या है, उसे क्या दरकार है। उसने अपनी कमजोरी को पहचाना, जाना और खुदा के सामने पेश कर दिया कि दैट्स व्हाट आई एम, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर खुदावन क्या कर, रहम कर। उसका कन्फेस कर लेना कि मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूं। ही नीड्स कन्वर्जन, ही इज रेडी फॉर कन्वर्जन। और उसने हलीमी और फरोतनी से दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। और लिखा है कि वो शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया। जो गुनाहगार आया वो रास्तबाज ठहर कर वापस चला गया, और जो रास्तबाज बनकर आया वो नाराज होकर घर को लौटा। ये शख्स जो दूर है अपनी हलीमी, फरोतनी, इनकसारी और आजजी की वजह से खुदा के करीब आ गया, खुदा का पसंदीदा शख्स बन गया। और वो शख्स जो करीब था अपनी मगरूरी, अपने घुमन की वजह से क्या हुआ, खुदा से दूर हो गया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। जब हम हलीम होते हैं, फुरतन होते हैं, जैसे भी होते हैं, जैसे भी हम हैं, जब हम हलीमी के साथ, फुरतनी के साथ खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमें कबूल करता है, खुदावंद हम पर रहम करता है। जब हम रहम मांगते हैं तो वो रहम देता है, जब हम माफी मांगते हैं तो हमें माफ करता है, जब हम इस्तदा करते हैं तो वो हमारी दुआ को कबूल करता है। अजीज मोमिनीन, ये दो रवैये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और इन दोनों पर जब हम गौर खोज करते हैं तो एक बात अजां होती है कि जो फरोतन है, जो इनकसारी के साथ दुआ करता है, जो पहली तलावत में भी लिखा है कि उसकी दुआ बादल में से गुजर जाएगी और खुदा उस पर मेहरबान हो जाएगा, खुदा उस पर रहम करेगा, खुदा उसे कबूल करने के लिए तैयार है। शर्त कि हम माफी मांगे, हम हलीम और आजिज बने। मसीह में मेरे जो, ये हमारे लिए भी पैगाम है कि मुमकिन तौर पर हम बहुत करीब हो सकते हैं लेकिन शायद हम खुदा से बहुत दूर चले गए हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत करीब हैं लेकिन शायद हम हैं नहीं। लेकिन शायद वो शख्स जिसके बारे में हम ख्याल करते हैं कि ये खुदा से बहुत दूर है या दूर चला गया है, शायद वो खुदा के ज्यादा करीब हो, हमसे भी ज्यादा करीब हो। इसलिए किसी को नाचीज नहीं जानना। हलीम और फरोतन बनकर खुदावन की पाक हुजूरी में आना है। इस तमसील से हम एक और खूबसूरत बात सीखते हैं। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो शख्स बीमार होता है, ही और शी हैज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। डॉक्टर को बताना पड़ता है ना कि मुझे सर दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, या मैं क्या फील करता हूं या क्या फील करती हूं। डॉक्टर को अपने बारे में बताएंगे तो इलाज हो सकेगा, मुमकिन है, शिफा पॉसिबल है, लेकिन कब
पॉसिबल है जब आप डॉक्टर को किसके बारे में बताएंगे, अपने अपने बारे में। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं अपने बारे दसो ना, गुआंढियां दे बारे दसो, तो शिफा मिलेगी कि नहीं? शिफा कितने मिलनी है? राम कितने आएगा? मुमकिन नहीं। और इस फरीसी ने ऐसा ही किया है, डॉक्टर के पास गया है, शिफा मांगी है, लेकिन सिम्टम्स किसके बता रहा है? महसल के, कि वो गुनाहगार है, वो महसल है। ये ऐसा ही है, आप डॉक्टर के पास जाएं और ये बताएं कि हमारा परोसिया सुबह उठा नहीं है, उसको शायद बुखार है, उसको शायद शुगर हो गई है, उसको शायद बीपी हाई है, तो राम किन्नु आएगा? किसी ने नहीं आएगा। महसल ने अपना आप जाकर बताया, क्या है खुदावंद, ये मुझे बीमारी है, और बीमारी क्या है कि मैं गुनाह में मुबतला हूं, मुझ पर रहम फरमा। और जब उसने अपना आप जाहिर किया, बता दिया, डॉक्टर को दिखा दिया कि दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग, तो खुदा ने उस पर क्या किया? रहम किया। इसलिए जब डॉक्टर के पास जाएं तो किसी के बारे ना बताएं, गलती ना दूजे के बारे में, सुतरा आम शाम आवे गुना, अपने बारे में बताएं। इसी तरह जब खुदा के घर में दुआ के लिए आए तो अपने बारे में बताएं, हमसाए के बारे में ना बताएं कि वो कैसा है, अपने बारे में बताएं कि मैं कैसा हूं, मुझे क्या हो रहा है, तो फिर शिफा भी मिलेगी, माफी भी मिलेगी, रहम भी मिलेगा, और खुदा की मोहब्बत भी दस्तयाब होगी। आखिर में छोटे से सवाल, छोटे से ख्याल, और एक सोच के साथ और एक बड़े चैलेंज के साथ मैं पैगाम का इख्तिताम करना चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात को आपने समझना और सुनना है। आखिरी चंद अल्फाज है, ध्यान से सुने। जब इस तमसील पर गौर करते हैं, महसल और फरीसी की तमसील पर हमने बड़ा गौर किया है, खतरा यह है या डर है कि इस तमसील को सुनने के बाद जब हम घरों की तरफ वापस लौटें तो कहीं हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारी सोच में यह ख्याल और दुआ ना आ जाए जिसमें हम ये कहें, ध्यान से सुनना, कि ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस फरीसी की मानंद नहीं, मुमकिन है, मुझे डर है, खदशा है कि जब हम अभी बैठे या शायद जब हम घरों को लौटे तो कहें शुक्र खुदावंद असि फरीसी आंगरू नहीं। देन यू हैव नॉट लर्न फ्रॉम दिस पैराबल, आपने देन इस तमसील से कुछ नहीं सीखा, आपका रवैया भी वैसे का वैसे ही है जैसे कि उस फरीसी का था। क्या खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस महसल की मानंद नहीं हूं, और अगर मैं और आप यह कहेंगे खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस फरीसी की मानंद नहीं हूं, तो फिर हमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। यह चैलेंज भी है, यह पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। आए इस पर गौर करें, खुदा ना करे कि हमारी सोच में, हमारे ख्याल में यह दुआ हो, क्या खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस फरीसी की मानंद नहीं। खुदा का फजल मांगे कि खुदावंद हमें बड़ा फजल ता फरमाए ताकि हम जब भी खुदावंद के पास दुआ के लिए आए हलीम और फौतन बन कर आए। नीज आज के दिन मिशन के लिए, मिशनरियों के लिए, मिशनरी सरगर्मियों के लिए हम दुआ करें, मांगो तो दिया जाएगा, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।